bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaykum viewers we welcome you on the 22nd session of our course on human resource development and last time as you remember we were talking about the link between economic development and human resource development and we saw that in spite of very uh, straightforward link between the two it is empirically it becomes difficult to prove because नेचर ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट भी एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके बहुत से कम्पोनेट हैं इसी तरह इकोनॉमिक डिवेलपमेंट भी कॉन्स्ट्रक्ट विच इज कम्पोज ऑफ मेनी कॉम्पोनेट उसमें इन दोनों का लिंक इनडायरेक्टली हम स्टडी कर सकते हैं और हमने एग्जाम्पल्स देखी वेयर द लिंक वॉज स्टडीड विद द कॉम्पोनेट ऑफ इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट लाइक वी आइसोलेटेड देल्थ पार्ट or the education part and saw its link with the economic productivity continuation mein. today we will continue talking about this link and we will also talk about the human resource development index and measures of uh, assessing the economic development of a country and linking it with the human resource development Now, technology ki hai the link between technology and human resource development depends on many educational prerequisites. Like, technology will not be diffused in a country if that country does not have qualified researchers, if that country does not have qualified engineers, if that country does not have qualified technicians. So, these three things are necessary. टेक्नोलॉजी को आप कंट्री में अगर फैलाना चाहते हैं या डिफ्यूज करना चाहते हैं ग्रॉस रूट लेवल पे देन इट इज दैट दीज एजुकेशनल प्री आर मैटर अदरवाइज देर विल बी ए वैक्यूम बिकॉज टेक्नोलॉजी आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लें जितना मर्जी लेटेस्ट इक्विपमेंट इंपोर्ट कर लें खरीद लें बट इफ देर आर नॉट ट्रेनड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल टू रन दोज इक्विपमेंट टू ऑपरेट दोज इक्विपमेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो द इक्विपमेंट उसके बगैर फिर द स्टोरी विल रिमेन इनकम्प्लीट देर विल बी नो यूज ऑफ स्पेंडिंग हैविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इफ फ्रेंड ह्यूमन पर्सनैल आर नॉट अवेलेबल इसलिए जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट का लिंक है दैट टोटली डिपेंड ऑन द एजुकेशनल प्री रिक्विजिट इसमें कई स्टडीज हैं में से दो की एग्जाम्पल मैं आपके लिए पेश करता हूं वन ऑफ द स्टडी इन विच द लिंक वॉज स्टडीड इन फैक्ट बिटवीन प्रोडक्टिविटी, द सेल ऑफ एग्रीकल्चर होल कंप्यूटर्स एंड द सेल ऑफ एग्रीकल्चर होल हु डिड नॉट यूज कंप्यूटर्स यह स्टडी हुई थी इजिप्ट में भी और बुरांडी में भी और इसी तरह पाकिस्तान में भी रिसेंटली देर हैज बिन टॉक दैट द लैंड लेवलिंग विल नाउ बी डन थ्रू लेजर इट हैज़ ऑलरेडी बीन डन थ्रू लेजर इन इजिप्ट एंड देर वॉज वास्ट इन इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी वन लैंड लेवलिंग वॉज डन थ्रू लेजर तो टेक्नोलॉजी जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर्मिंग में इंडस्ट्री में टेक्सटाइल में किसी भी इंडस्ट्री में उसकी रिटर्न Only and only if we understand that technology. Otherwise, technology will become a liability. For example, if computers are given to a place where people are not fully trained to use it, then people will start using computers as word processors. Computers are not word processors, computers are essentially decision making tools, but only those minds can take that advantage who are trained in the usage of computer who understand how to use computer as a decision maker as far as managers are concerned and the lower level like technicians the supervisors the foremen they can only use computers effectively if they know what they are doing through it but if they think that computer will solve their problem or usually in the countries may एजुकेशन ज़्यादा है जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पर कंप्यूटर की जो यूसेज है वो ज़्यादा इफेक्टिव है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो सकता है कंट्री में बहुत हूँ हाउसओल्ड में बहुत से कंप्यूटर्स हो, बट अगर वो इंडस्ट्री में नहीं अगर जो हमारा फोरमैन और टेक्नीशियन लेवल है जो फ्लोर पर काम करता है अगर वह कंप्यूटर्स में ट्रेंड नहीं है तो फिर मुल्क को कंप्यूटर्स का इतना एडवांटेज नहीं होगा जितना कि उस सूरत में होगा अगर लोअर लेवल काम करने वाले लोग भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आशना हो और वो जैसा हमने देखा इट इज ओनली पॉसिबल इफ देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल प्री रिक्विट्स मैट इन द कंट्री अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड टू यूज टेक्नोलॉजी द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट एज वी हैव बिन डिस्कसिंग फॉर द लास्ट फ्यू सेशन इज नॉट ऑटोमेटिक ये नहीं है दैट यू स्पेंड हैविली ऑन ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट एंड ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डिवेलपमेंट विल अकर इट इज नॉट अशन इसके बीच में हमने देखा बहुत से वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स में से कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं लाइक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आपने इन्वेस्टमेंट तो की ह्यूमन रिसोर्सिस पे लेकिन किन सेक्टर्स में की हेल्थ में की एजुकेशन में की और अगर एजुकेशन में की तो क्या स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड एजुकेशन वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं क्या उनको छोड़ दिया अगर उनको इग्नोर कर दिया तो फिर एजुकेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट आना है और उसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो इम्पैक्ट आना है वो पूरी तरह से इम्पेक्ट नहीं आएगा इसी तरह हेल्थ में हमने सारी हेल्थ में इन्वेस्ट किया लेकिन प्राइमरी हेल्थ को छोड़ दिया एजुकेशन में हमने हायर एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किया लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को छोड़ दिया तो ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं या रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसीज हैं या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट है इट इज नॉट दी सम इट इज नॉट दी अमाउंट दिच मैटर्स बट इट इज हाउ दैट अमाउंट इज एलोकेटेड हाउ दैट अमाउंट इज स्पेंट विच मीन्स हेयर कम्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गुड गवर्नेंस विच डिसाइड्स

नेपाल है आर वेरी क्लोजली रिलेटेड लेकिन इनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने अपने पेस पे और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बेस्ड है जैसे हमने देखा बांग्लादेश में मेजर थर्स दिया गया पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर चाइना में मेजर थर्स दिया गया पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर श्रीलंका में मेजर एम्फेसिस दिया गया यूनिवर्सल एजुकेशन के ऊपर इसी तरह जब कोरिया और हांगकॉन्ग और ये जितनी भी कंट्रीज फार ईस्ट की हैं जब ये डेवलप हो रही थी तो ऑल दी दी एम्फेसिस वॉज अ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड स्पेशली दी एजुकेशन ऑफ वूमेन और उसके बाद वन दिस ग्राउंड वर्क वॉज डन वैन पीपल आर प्रिपेयर वर एक्सपोज टू दी बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियालाइजेशन क्योंकि उसके बगैर हम सिर्फ कंज्यूमर तो बन सकते हैं प्रोड्यूसर नहीं बन सकते And if we don't become producers, then it is very difficult that our economic situation will improve or that our economy will rise above where it is at the moment. So, the link, as we have seen, between the two is there, but it is not automatic. If there has to be many intervening policies and variables which need to be controlled by the governing authorities so that the full benefits. ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट आर रीप्ड इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवेलपमेंट सो ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आपस में इनका गहरा ताल्लुक है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डू इफेक्ट बोथ दप्लाई एंड डिमांड ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्योंकि ह्यूमन कैपिटल भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी भी सप्लाई और डिमांड है और उसकी सप्लाई और डिमांड पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का वही इफेक्ट है जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे है या जो मॉनिटरी पॉलिसीज का इफेक्ट है सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी के ऊपर सो फिस्कल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज इफेक्ट सप्लाई वाल सेक्टर लेबर मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इफेक्ट डिमांड थ्रू देयर इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड द लेबर मार्केट रेगुलेशन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन ये सारे वो मयर्स हैं जो इन पॉलिसीज की वजह से इफेक्ट होते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इनफैक्ट इनका अपना रोल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पे वन दे सपोर्ट अ मोर ओपन इकॉनमी देन द इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन डिवेलपमेंट इज मोर क्योंकि जब ट्रेड और इकनॉमिक पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ओपन इकॉनमी को सपोर्ट नहीं करती तो फिर हम मुल्क में जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे लोअर लेवल पे हम जॉब्स क्रिएट करने को रोक रहे हैं बट वेन इट इज ओपन इकोनॉमी देर विल बी मोर कॉम्पिटिशन मोर प्रोडक्शन विल अकर मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड विद मोर चांसेज ऑफ पीपल गेटिंग एक्सपोज टू इंडस्ट्री पीपल गेटिंग एक्सपोज टू एन अर्बन एनवायरमेंट पीपल गेटिंग एक्सपोज टू एन एनवायरमेंट विच फोर्सेज दैम टू बिल्ड स्किल्स इन दैम वो स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग भी आ सकती हैं वो स्किल्स थ्रू फॉर्मल एजुकेशन भी आ सकती हैं वो स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस भी आ सकती है so, सो जो हमारी ट्रेड की और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट पर सिमिलरली जो हमने अभी तक चीजें डिस्कस की हैं जो ट्रेड पॉलिसीज हैं या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं या रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दे इफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट ड्यू टू शिफ्ट इन रेलेटिव प्राइसिस विच इफेक्ट द पोअर पीपल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जिसकी हमने बात की जो जनरेट होते हैं एंड कंपेटेटिव प्रेशर ऑन स्किल्स बिकॉज जब माहौल इस तरह का क्रिएट हो जाएगा वेयर इकोनॉमी इज ओपन वेयर इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग वेयर पीपल आर फाइंडिंग जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स तो फिर स्किल्स बिल्डिंग के ऊपर प्रेशर आएगा जिसका मतलब है कि एक एनवायरमेंट एक एटमोस्फेयर ऐसा जनरेट होगा वेयर पीपल विल कंपीट फॉर स्किल्स वेयर पीपल विल कंपीट फॉर जॉब्स वेयर people will compete for their survival, but now they have the tools to do that, or the tools kya hai? technology, hai, education, hai, which is bringing them forward in the industry, which is uh, upgrading their skills, and which is giving them now a chance to live a better life as individuals, and also to form a society which is collectively better than the society in which we are living today. now, the productive utilization of skills, डिटर्मिन्स दिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट विद इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसमें हमने जो बात की है वो तो ये है कि स्किल्स बिल्ड कर देना ही इज नॉट दब्जेक्टिव दैट वी डिवेलप कोर्सेज एंड वी डिवेलप सेलेबाई एंड वी डिवेलप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स तो वो स्किल्स तो बिल्ड हो गई लेकिन इफ दे आर अनयूटिलाइज तो फिर उन स्किल्स का ह्यूमन डिवेलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है अनलेस अनटिल दो स्किल्स विच द पीपल उनको चांस मिले कि वो उन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकें वो कुछ प्रोड्यूस कर सकें वो सर्विस कंसर्न में है तो वो सर्विस कंसर्न में अपनी स्किल्स शो कर सकें डिजाइन में अपनी स्किल्स शो कर सकें आफ्टर सेल में अपनी स्किल्स शो कर सकें कस्टमर केयर में अपनी स्किल्स शो कर सकें सो so, इन सारी चीजों

पिछले सेशन में हमने ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपोनेंट पार्ट्स को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की लाइक वी सॉ एजुकेशन की स्पेंडिंग का क्या इंपैक्ट है प्रोडक्टिविटी पे विच इज अ सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो आती रहती हैं 1990 में 1991 में 1992 की जो रिपोर्ट्स हैं दे शोड दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिजल्ट इन हायर

Because the construct is so multifaceted, so that link occurs at various subcomponent levels. In a study of 28 countries, relationship between human resource development and economic development was studied. Ye Commonwealth Secretariat ki study thi, and it was seen that there is an element of positive effect of human resource development on economic development. Similarly, the overall conclusion which comes out from this discussion is that there is a scope for policy interventions to improve performance in human resource development and its subsequent better effects on the economic performance. So, agar human resource development go through policy intervention, jo humara first has course, ka second half ka, that is what policies government needs to form so that human resource development occurs. So, yehi policy interventions agar ki jain, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती रहे तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा दिस हैज बिन प्रूव्ड फॉर द लास्ट टू डेकेड जो स्टडीज हो रही हैं एचआरडी पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हैव प्रूव्ड दैट दे टू वेरिएबल्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप अदर यहां जरा मुझे दिस कोर्स we have been talking about the notion of human development index and we have seen that we are using it as a proxy to gdp and gnp because gdp and gnp are only reflecting the hardcore economic growth of a country in terms of its domestic or national products. human development index captures the knowledge and education accumulated by that nation through primary secondary school enrollments it also captures the standard of living and that standard of living is coming from the per capita gdp of a country and it also captures the health of a nation through the longevity of life ya life expectancy at birth so these four components the human development index ko a credible economic indicator and for the last about 10 12 years countries have been ranked on the basis of human development index and the human development report also uses hdi and many other international organizations like un undp and many more they have accepted the authenticity of human development index what i am going to show you is

एज अन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ पॉइंट नाइन सिक्स फाइव विच इज द हाइस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट फॉलोड बाय आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया देन आयरलैंड देन स्वीडन धैन कैनडा देन जापैन देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विटरलैंड एंड नीदरलैंड अब इनमें से टॉप टेन जो रैंकिंग कंट्रीज हैं इज ओनली वन एशियन कंट्री अब देखें इसका जब हम देखें तो हमें एक पिक्चर वर्ल्ड की सामने आ जाती है वन आउट ऑफ टेन टॉप रैंकिंग एच डी आई कंट्रीज बिलोंग टू एशिया एंड दैट जपैन इज नॉट इन साउथ ईस्ट एशिया सो जो हमारा रीजन है दुनिया का साउथ ईस्ट एशिया यहाँ की कोई कंट्री टॉप टेन के आसपास नहीं आती जपैन इज दी ओनली एशियन कंट्री द रेस्ट एज यू कैन सी बिलोंग टू आइदर दमेरिका एंड दिन यूरोप और ऑल्सो दस्ट्रेलिया We, Australia is not West. I mean, it is some, some authorities consider it as a part of Asia. But if we look at Australia culturally and if we look at their, the way they live, the systems they follow, we can easily see that they are actually an extension of West in the East. So, in reality, there is only one Eastern country or one Asian country which is in the HDI. टॉप टेन एच डी आई है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बॉटम टेन या ट्वेंटी या बॉटम थर्टी कंट्रीज देखें एच डी आई में वहां हमें बहुत सी कंट्रीज नजर आएंगी विच आर एशियन एंड विच आर अफ्रीकन तो जो लोस्ट टेन रैंकिंग कंट्रीज हैं उनमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिलोंग टू द रीजन ऑफ अफ्रीका वर्ल्ड वेल बींग ह्यूमन वेल बींग इज नॉट स्टैंडर्डाइज इन द वर्ल्ड दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से ह्यूमन वेलबींग या इकनॉमिक ग्रोथ या ह्यूमन वेल्थ मुख्तलिफ़ वेस्टर्न यूरोप में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में ये अपने अरूज पे है जबकि अफ्रीका सब सारण अफ्रीका स्पेशली एंड इन एशियन कंट्रीज इट इज़ क्वाइट लो और बीच में वी सी दैट इन लेटेन अमेरिका इन मिडल ईस्ट इट इज समेयर इन बिटवीन सो वी कैन सी दैट डिस्पाइट The, 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 the claims of equality and the claims of eradicating poverty internationally—those jitne programs <laughs> chal impact nazar in the economic and wealth-wise difference in the nations. So, human development index ke point of view say there are countries which are very rich, which are very. Uh, Developed, and there are countries which are still developing, and then there are countries which are, by the standards of Human Development Index, if their HDI is below 0.5, then they are still underdeveloped. A core notion, a core concept, which is use kiya jata hai, to depict the economic development of a country, or indirectly, the human resource development of a country, is called the World Freedom Report. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी एच और उनके थ्रू हमें एच के बारे में पता चलता है वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट सिंस नाइनटीन और 1978 बुक फॉर्म में और 1972 रिपोर्ट फॉर्म में फ्रीडम हाउस पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड इसका नाम है ऑन द डिग्री ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम इन नेशंस एंड सिग्निफिकेंट डिस्प्यूटेड टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड बाई विच इट सीक्स टू असैस द करंट स्टेट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स ऑन ए स्केल फ्राम वन विच इज मोस्ट फ्री टू सेवन विच इज द लीस्ट फ्री यानी इस पैमाने के मुताबिक जब कंट्रीज को टेरेटरीज को मेयर किया जाता है फ्रीडम वाइज तो देखा ही जाता है कि इनका स्कोर क्या आ रहा है अगर तो वो स्कोर वन के करीब है तो फिर तो वो कंट्री Considered ki jati hai as a free country or a free territory in terms of democracy, in terms of political rights. Or if the score is country is not free. These reports are often used by political scientists when doing research, and the ranking is highly correlated with several other ratings of democracy, which are also frequently used by researchers. Now, we see. That there is a bias. Biased kya hai. Biasness kya hai. A freedom ki definition as perceived by West and as perceived by any other part of the world may differ. West will perceive freedom as you know a true form of Western democracy. They will say this is freedom because people have the freedom to speak. पीपल हैव द फ्रीडम टू रेज दर वॉइस पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नस तो अगर तो ये फ्रीडम है देन ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज आर अगेन द कंट्रीज विच आर स्कोरिंग हाई हाई मीन्स लो इन इन दिस पर्टिकुलर केस लेकिन जो इस रिपोर्ट या फ्रीडम हाउस की पब्लिकेशन के लिहाज से जो सबसे फ्री कंट्रीज हैं वो अगेन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसलिए

ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी ज्यादा तो दैट मीनस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक एंड पोलिटिकल फ्रीडम गो टूगेदर सो जब हम ये लिंक असेस कर रहे हैं द लिंक बिटवीन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें जो इंटरवीनिंग वेरियबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल हमने आइसोलेट किया है एंड दैट वेरिएबल इज डेमोक्रेटिक फ्रीडम और पोलिटिकल फ्रीडम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी, जिसके ऊपर भी रिसर्च जो हुई है पिछले कुछ सालों में दैट हैज शोन दैट दे आर इंटरलेटेड जितनी एक कंट्री में इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक uh, और पोलिटिकल फ्रीडम होगी उतनी ही चांसेस हैं आजकल के ज़माने के लिहाज से कि उस कंट्री में जब जाहिर डेमोक्रेटिक और पोलिटिकल फ्रीडम होगी तो फिर वेमेंस राइट right भी होंगे इनप्लेस वन एजुकेशन पर भी एम्फेसिस होगा चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी को रोकने की कोशिश भी की जाएगी इट इज नॉट द डेमोक्रेसी इज प्रमोटिंग दीज थिंग डायरेक्टली बट इट इज बिकॉज ऑफ एडॉप्टिंग दो प्रिंसिपल्स जब आप मुल्क में एक सिस्टम ऐसा लेके आते हैं जहां अकाउंटेबिलिटी होती है बिकॉज बेसिकली वॉट हैपन्स इन डेमोक्रेसी इज ए पीपल है राइट टू चूज फाइन बट देन इंस्टीट्यूशंस आर अकाउंटेबल तो जहां अकाउंटेबिलिटी होगी वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज होंगी नॉट अकॉर्डिंग टू दिशेज एंड वेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स ये एक मेजर फर्क क्योंकि उन कंट्रीज में इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हैं इसलिए वहां कम चांस है कि वहां पर ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट इन्वेस्टमेंट वेस्टेड चली जाए या करप्शन में जया हो जाए या उनका कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो तो अब जब अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मौजूद हैं तो फिर प्रायोरिटीज़ के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी खर्च किए जाएंगे और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो प्रायोरिटीज़ क्योंकि काफ़ी मेहनत से तय की जाती हैं और हर कंट्री को इन साइड अपनी प्रायोरिटीज लाइक वी आर सिटिंग हेयर एंड यू आर लिसनिंग टू यू आर टॉकिंग बट ऑल ऑफ अस इन साइड आर माइंड नो वट आर आर प्रायोरिटीज़ हमें पता है कि हमारी प्रायोरिटी प्राइमरी एजुकेशन पे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस कोर्स के थ्रू जेनशीन करनी है वो ये है दैट आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू एजुकेट आर वन आप ये देखिए आप मर्दों को जितनी भी एजुकेशन दे दें ऑन द कॉस्ट ऑफ वेमेन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ सोसाइटी बिकॉज अ सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ मदर अ मदर इज अ वन हुई टू रेज दी सन्स हैं जिन्होंने बाद में जाके इंडस्ट्री uh, चलानी है बिजनेस चलाना है सो इफ दे आर गिवन गुड बाय एन एजुकेटेड, बैलेंस्ड मदर देन दी पर्सनैलिटीज विच ही इज प्रोड्यूसिंग चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं जो उनके बच्चे हैं वो बैलेंस्ड होंगी जब बैलेंस पर्सनैलिटीज को हम प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम मुल्क में एक ऐसा इन्वायरमेंट लेके आ रहे हैं जो एक इनकलाबी सूरत अख्तियार कर जाएगा आज कल के हालात से अगर हम उसे कंपेयर करें आज कल की अफरा तफरी और हजूम नुमा जो हमारा हाल है एज ए नेशन उसको अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारी खातें एजुकेटेड हों ये ज़रूरी है कि हमारी खातन एम्पावर्ड हों ये ज़रूरी है कि हमारी खातिन पोलिटिकली एक्टिव पोलिटिकली एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो पचास साठ सत्तर खातन असम्बली में बैठी और कुछ भी ना कर रही उसका कोई फायदा नहीं वो सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स कि हमारी इतनी खातन असेंबली में बैठती तो बैठती हैं लेकिन वो करती क्या है उनका क्या फायदा है एक आम औरत को उनका क्या फायदा है एक आम खातन जो बैठी हैं घरों में जो पढ़ी लिखी भी नहीं है उनके लिए क्या जनरेट कर रही हैं वो खौतान जो असेंबली में बैठी सो देट इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन आती तो है जब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट uh, की डिटेल में हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जाएंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वेमेन इन पार्लियामेंट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ वेमेन डेवलपमेंट बट अगेन वेमेन सिटिंग इन पार्लियामेंट कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ द इंस्टीट्यूशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड मासज आर इफेक्टिव अगर ادارے जो कि पार्लियामेंट और عوام के درمیان में मौजूद होने चाहिए और होते हैं अगर वह ادارے इफेक्टिव ही नहीं तो फिर पार्लियामेंट में चाहे अस्सी फीसद खातन बैठ जाए मॉसिस में आवाम में खातन की किस्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम ये देख रहे हैं दैट इट इज हैपनिंग बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो स्टैटिक चेंज होती है ना हालात खुद ब खुद थोड़े थोड़े थोड़ इंप्रूव होते जाते हैं बट वी नीड टू बी वेरी एग्रेसिव इन रीशेपिंग द लाइव ऑफ आर वेमेन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी कौम की किस्मत नहीं बदल सकेंगे दुनिया में जहां भी मॉडर्न टाइम्स में प्रोग्रेस हुई है या पहले टाइम्स में भी प्रोग्रेस हुई है वहां पर रोल ऑफ वेमेन हैज बिन एस्टॉनिशिंगली प्रोमिनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन बिकॉज इट इज़ अ वेमेन हु इज गोइंग टू डिवेलप द मैन ऑफ अ कंट्री बिकॉज मैन आर आफ्टर ऑल सन ऑफ सम वेमेन सो जो पहली एक्सपोजर एक मर्द का भी है वो भी खातून के पास माँ के हाथों में माँ की गोद में तो जब तक ये पहला एक्सपोजर बैलेंस नहीं है तब तक जो बच्चे रेस किए जा रहे हैं वो भी बैलेंस नहीं इसलिए वेमेन एजुकेशन इज द क्रक्स ऑफ द मैटर अगर हम इस पूरे कोर्स की एक एक पंचलाइन बनाना चाहें तो वो ये है कि आर वेमेन नीड टू बी डेवलप्ड आर वेमेन नीड टू बी गिवन स्किल्स आर वेमेन नीड टू बी एजुकेटेड आर वेमेन नीड टू बी हेल्थी फिजिकली एंड मेंटली सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ दे अगर हम उन्हें सिर्फ घरों में भी कन्फाइन कर दें और उन्हें ये कहें कि आपका मेटरनल रोल है तो उस मेटरनल रोल को निभाने के लिए भी दे नीड एजुकेशन एंड दे नीड अ साउंड माइंड एंड अ साउंड हेल्थ यह तो चीज हमें समझ नहीं चाहिए अब हम एक और क्राइटेरिया की तरफ आते हैं क्राइटेरिया ये भी बेसिकली इकोनॉमिक डिवेलपमेंट को मैयर करने का है और जिस तरह ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स है जो कि बहुत सी चीजों को इकट्ठे कैप्चर करता है ये क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड जिनी कॉफिशेंट इट डज नॉट डायरेक्टली मेयर्स दी पावर्टी एक तो है गुर्बत कितने लोग हैं फॉर एग्जाम्पल जो रह रहे हैं वन डॉलर अ डे से नीचे एब्सोलूट पॉवर्टी कितने लोग हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम इस पर्टिकुलर लेवल से कम है 400-500 डॉलर अ ईयर से कम पे रहते हैं वो भी पावर्टी को डिस्क्राइब करने की डिफाइन करने का एक तरीका है लेकिन पावर्टी सिर्फ पैसा कम हो जाने से पावर्टी क्रिएट नहीं हो अगर सबके पास पैसे कम हैं, तो फिर तो कोई भी पुअर नहीं रहेगा एक्चुअली पावर्टी इज ए रेलेटिव टर्म एंड इट इज क्रिएटेड बाय कंपेयरिंग वन सेल्फ विद अदर्स। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज अर्निंग ट्वेंटी थाउजेंड अ मंथ

लेकिन अगर इनकम इनइलिटी बहुत ज्यादा है देन वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम बिकॉज दैट मीन्स दैट इज अ लार्ज सेक्टर ऑफ पीपल लार्ज सेक्ट ऑफ पीपल विच इज नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम द सेम इनकम बेनिफिट विच वन स्मॉल क्लास इज टेकिंग एडवांटेज और टेकिंग रीपिंग द बेनिफिट ऑफ इसलिए जो जीनीक ऑफिशेंट है इट इज डिफाइंड एज अ रेशो वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन जो लो जिनी ऑफिशियंट होगा दैट विल इंडिकेट इक्वल इनकम अगर किसी कंट्री का जिनी ऑफिशियंट जीरो है तो उसका मतलब यह है थ्रेटिकली पॉसिबल है उसका मतलब यह है कि तमाम लोगों की इनकम इक्वल है वाइल हाई जिनी ऑफिशियंट इंडिकेट्स मोर अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसे हमने पहले कहा जीरो कॉरेस्पॉन्ड्स टू परफेक्ट इक्वलिटी एंड वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू परफेक्ट इन इक्वालिटी इसका मतलब यह होगा थरेटिकली क्योंकि इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है अगर हम इसको वन जीनी कॉफिशेंट के इंडिकेटर को नहीं समझेंगे कि एक तो होता ही नहीं है तो हम कहें हमें समझेंगे ही नहीं तो हमें कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी सो सपोज रीजन हैजीनी कॉफिशेंट ऑफ वन उसका मतलब क्या होगा उसका मतलब यह होगा उनता दैट वन पर्सन आउट ऑफ दैट होल कंट्री हैज ऑल द वेल्थ वेर हैज दर पीपल डोंट हैनी वेल्थ तो यह एक थ्रेटिकल सिचुएशन है बिकॉज वन कॉरस्पॉन्डस टू परफेक्ट इन इक्वेलिटी जैसे हमने पहले कहा वन पर्सन हैज द इनकम वेल एवरी वन एल्स हैजीरो इनकम और इन बिटवीन फिर बहुत सी सिचुएशन है जीरो से वन तक जिन्हें को अफिशेंट कहीं भी फॉलो कर सकता है And that also tells us about the economic situation, about the economic condition of a country. That if a country has a high Gini coefficient, in the face of low Human Development Index and low GDP and low GNP, so then we get to know that this country has human development and income is also in unequally distributed. Hai. जीनी कॉफिशियंट रिक्वायर्स एट नो वन हैव नेगेटिव नेट इनकम और वेल्थ सो जीनी कॉफिशेंट टेल्स अस अबाउट द इनकम पॉवर्टी बिकॉज पॉवर्टी जो है वो एक तो इनकम पॉवर्टी है और एक फिर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज so जितनी भी वेल्थ एक तो वेल्थ जनरेट करना है और फिर एक वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है so एक पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ दिन ऑफ वेल्थ एंड वन पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सो हाई जीनीक ऑफिशियंट इज नॉट अ गुड indicator for a country or a region because that indicates that this country or this region has high inequality of income and therefore uh, low chances that people are having an equal access to benefits of life or equal access to facilities of life. Gini coefficient some problems like if you imagine a country as big as america ज मोर देन फिफ्टी स्टेट्स जोग्राफिकली अब इसके अंदर जिन्ह को को अगर हम ये कहें कि पूरे अमेरिका का जिन्ह को लेके हम उसको दुनिया से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी अमेरिका पे बिकॉज अमेरिका में पचास से ज्यादा स्टेट्स हैं वो स्टेट्स जोग्राफिकली खुद एक एक कंट्री के बराबर उन, उनका एरिया भी है उनकी अपना अलग अलग इकोनमीज हैं अलग कल्चर हैं सो इन ए कंट्री एज बेग एज अमेरिका अगर हम जिनिक ऑफिशियंट को यूज करेंगे तो फिर हमें स्टेट्स के जिनिक ऑफिशियंट को देखना पड़ेगा रादर देन लुकिंग एट द जिनिक ऑफिशियंट ऑफ द होल कंट्री बट अदरवाइज इन मीडियम साइज कंट्रीज इन स्मॉलर कंट्रीज जिनिक ऑफिशियंट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ असेसिंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री अनदर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और जी gross national happiness is an attempt to define quality of life in more holistic and psychological terms than gross national product gross national product gnp or gdp ye itne holistic hai because they are only encompassing the economic development whereas gross national happiness tries to capture other aspects of happiness as well ye in fact the term was coined by King of Bhutan, uh, Jigme Wangchuk, in 1972. And Bhutan, king, the coined this term, in ki, gross national happiness, ye in fact, it signaled his commitment to building an economy that would serve Bhutan's unique culture. विच is बेस्ड यूनिक क्यों है बिकॉज इट वाज़ बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज हम आप यहां देखें हैप्पीनेस के अंदर द एलिमेंट ऑफ रिलीजन लाने की अटेम्प्ट ईस्ट से की गई बिकॉज भूटान ऑब्वियसली इज एन ईस्टर्न कंट्री साउथ ईस्ट एशियन रीजन है सो so यहां पर उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट स्परिचुअल वैल्यूज को अगर हम अपनी इकोनॉमी में लेके आए अगर हम अपनी जिंदगी में इनको लेके आए तो इनका इंपैक्ट क्या होगा हमारी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर एंड लाइक मेनी वर्ड मॉरल गोल्स इट इज इजीअर्स टू स्टेट देन टू डिफाइन जो हैप्पीनेस है देयर फॉर नन इट सर्व्स एज अ यूनिफाइंग विजन फॉर फाइव ईयर प्लानिंग ऑफ दैट कंट्री किंग ने जब इसको इंकल्केट किया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की टर्म क्वाइन की तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने फाइव ईयर नेशनल प्लानिंग पीरियड के अंदर इनकोपरेट कर देते हैं और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज एन टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हिच इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स बट आल्सो बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स लाइक द स्परिचुअल वैल्यूज क्योंकि हम जब जिंदगी गुजारते हैं तो वह जिंदगी सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव से तो नहीं गुजारी जाती या वो जिंदगी सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं इट इज राइट दैट वेल्थ इनकम फंडस मनी दे हैव अ वैल्यू इन आर लाइफ उनके बगैर हम हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते हम बहुत सी फैसिलिटी से महरूम रह जाते हैं लेकिन क्या ये भी सही है कि सिर्फ पैसा या फंड या मनी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस अब यहां पर फिर कंट्रास्ट आएगा बिटवीन द वेस्टर्न थिंकिंग एंड द ईस्टर्न थिंकिंग अब वेस्टर्न थिंकिंग जो है वो बहुत प्रेगमेटिक है बहुत मटीरियलिस्टिक है वहां पर ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज सोशल एंड इकोनॉमिक एनिमल्स जिनके इकोनॉमिक मोटिव हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज वॉट इकोनॉमिक मोटिव और जिनका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेकिन जब हम ईस्ट पे आते हैं तो हमारे यहां हैप्पीनेस की डेफिनेशन में दूसरी चीजें स्पिरिचुअल, रिलीजियस एथिकल मॉरल ये नहीं है कि वेस्ट में एथिक्स और मॉरल वैल्यूज नहीं उनकी अपनी एथिकल और मॉरल वैल्यूज हैं जो फिर सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट टू ए सोसाइटी विच हैव क्रिएटेड और क्योंकि उनकी सोसाइटी का फैब्रिक हमारी सोसाइटी सोसाइटीज के फैब्रिक से फर्क है डिफरेंट है इसलिए हमारे क्राइटेरिया ऑफ हैप्पीनेस थोड़े से फर्क हैं और हम देखेंगे हैप्पीनेस के, के इस व्यू को जो भूटान के किंग ने पेश किया वेस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ जो क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट का व्यू है, हैप्पीनेस का वो मुख्तलिफ है क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट अटैम्प टू क्वान्टिफाई हैप्पीनेस थ्रू मेयरमेंट इन कंजम्पशन एंड प्रॉफिट अब यहां पर आप फर्क देखिए कि एक तरफ हैप्पीनेस को डिफाइन किया गया या हैप्पीनेस को ग्राउंड करने की कोशिश की गई विद स्परिचुअल वैल्यूज दैट वॉज बुटान एंड द क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक व्यू ऑफ द वेस्ट दे से दैट हैप्पीनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फॉर एग्जांपल इफ एक्स प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड इन गुड क्वान्टिटीज इन हाई क्वान्टिटीज फॉर हाई प्रॉफिट यानी एक कोई सा प्रोडक्ट है उसका नाम हम एक्स ले देते हैं उसको लोग उसकी डिमांड है बहुत उसको लोग बहुत खरीद रहे हैं और लोगों को भी वो प्रोडक्ट पसंद है इसलिए खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट के बिकने से एक हाई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो फिर क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट विल से दैट सोसाइटीज नो दैट दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर देम व्हाई बिकॉज दे आर डिमांडिंग इट एंड सिंस इट इज गुड फॉर सोसाइटी बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग इट एंड दे आर यूजिंग इट फॉर इकोनॉमिक रीजन एंड इट इज जनरेटिंग हाई रिटर्न विच इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक इंडिकेटर देयर फॉर दे विल से दैट दिस प्रोडक्ट इज जनरेटिंग हैप्पीनेस फॉर द होल सोसाइटी अब इसमें हैप्पीनेस को लिमिट किया गया है इकोनॉमिक्स के साथ लोग डिमांड कर रहे हैं अपनी कोई जरूरत पूरी कर रहे हैं और साथ में वो पैसे भी पे कर रहे हैं और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट बना रहे हैं तो ये क्योंकि कंजम्पशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इकट्ठी हो रही है इसलिए हैप्पीनेस जनरेट हो रही क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड ज्यादा है विच इज सर्विंग पीपल एंड विच इज ऑल्सो सर्विंग इज प्रोड्यूसर्स इज बाउंड टू बी गुड फॉर द सोसाइटीज ये है लिबरल क्लासिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक का व्यू इट इज दिस इक्वेटिंग ऑफ हाई कंजम्पशन लेवल्स विद हैप्पीनेस that has been challenged by the proponents of gross national happiness so of cross national happiness ka jo indicator hai usko hum, economic activity ke sath sirf link nahi kar sakte because wahan par dekha, that gross national happiness was based on buddhist spiritual values was based on the cultural values and the religious values of a region called bhutan whereas

तो आपके सामने रख दी क्रिटिस क्रिटिक्स से दैट बिकॉज क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अ सीरीज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स अबाउट वेलबींग क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यूज अगर आपकी जिंदगी में है आप पीस ऑफ माइंड रखते हैं तो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है ना इसको आप मैयर नहीं कर सकते लाइक like इनकम या एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन रेट आप मैयर कर सकते हैं एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप मैयर कर सकते हैं अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर आप मेयर कर सकते हैं अपनी डिस्पोजेबल इनकम इनकम को आप मयर कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी इनकम को आप मयर कर सकते हैं लेकिन अपने पीस ऑफ माइंड को आप मयर नहीं कर सकते एंड दैट इज द बिगेस्ट क्रिटिसिजम ऑन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दैट सिंस दी सब्जेक्टिव एलिमेंट इन इट कैन नॉट बी मई इट गवर्नमेंट मे बी एबल टू डिफाइन जी एन एच इन अ वे दैट सूट देयर इंटरेस्ट अब एक्चुअली वेस्ट ने इसको थोड़ा सा वेस्टर्न क्रिटिक्स ने पोलिटिकलाइज कर दिया और ये क्रिटिसिज्म वैलिड भी है क्योंकि उन्होंने कहा इन केस ऑफ भूटान जहां से ये टर्म आई है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दे से दैट द गवर्नमेंट एक्सपेल्ड अबाउट वन हंड्रेड थाउजेंड पीपल एंड देयर भूटानीज सिटीजनशिप ऑन द दैट द ग्राउंडीज वर एथेनिक नेपलीज सेटल्ड इन द कंट्री इीगली उन्होंने कहा कि वो जो लाख लोग एक लाख नेपलीज लोग जिनको भूटानी गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया उनका इंपैक्ट ऊपर क्या होगा वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या जीएनएच नह मैयर नहीं करता जबकि वो इंपैक्ट जो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं लाइक जीडीपी जीएनपी, डिस्प्लेसमेंट्स रिफ्यूजीज ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उन्होंने इसलिए इसको चैलेंज किया कि दिस वुड रिड्यूस भूटान वेल्थ बाय मोस्ट ट्रेडिशनल मैयर सच एज जी डी पी जी एन पी द भूटान गवर्नमेंट क्लेम्स इट हैज नॉट रिड्यूस्ड भूटान्स क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अभी एक डिबेटेबल पॉइंट है एंड आई एम नॉट हेयर टू टेक साइड विद एनी व्यू बट आई एम पुटिंग और प्रेजेंटिंग बोथ व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू सो एक तरफ तो हमने देखा क्लासिकल वेस्टर्न व्यू ऑफ हैप्पीनेस दूसरी तरफ तो हमने देखा ईस्टर्न व्यू अब इसमें देर आर कंट्रीज ट्राइड टू अडॉप्टी सब्जेक्टिव मेयर्स एंड दी पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग इन क्योंकि इसकी कोई इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की नहीं है लेकिन जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट की बात करते हैं वेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट देयर economic side of their life but we are also talking about the spiritual the mental side of their life ab mental peace hai wo subjective feeling but it is an important feeling of happiness in human beings it is an important indicator of how fully developed we are how fulfilled we are so need is the point of the purpose of bringing this point is to highlight

और यूटिलिटीज जनरेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए भी अपने लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी तो फिर हमारी लाइफ इकोनॉमिकली तो हैप्पी है बट वॉट इफ एट द सेम टाइम इफ वी आर बाइंग अ प्रोडक्ट फाइन बट एट द एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन सेम टाइम वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एंगजाइटी इज दैट हैप्पीनेस दैट इज माई पॉइंट जो मेरा मकसद है इस डिबेट को लाने का वो यही है कि खुशी और हैप्पीनेस इज बोथ इकोनॉमिक वेलबींग हेल्थ वाइज वेलबींग मेंटल वेलबींग फिजिकल वेलबींग अब जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं वी कैन नॉट इग्नोर सब्जेक्टिवनेस ऑफ स्परिचुअलिटी वी कैन नॉट इग्नोर सब्जेक्टिवनेस ऑफ आर फीलिंग्स वी नॉट इग्नोर सब्जेक्टिवनेस ऑफ आर वैल्यूज एंड बिलीफ्स वी नॉट इग्नोर सब्जेक्टिवनेस ऑफ आर मॉरल कोड ऑफ एथिक्स एंड आर मोरलिटी ये सारी की सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं तो डैट डज नॉट मीन कि जिन चीजों को हम मैयर नहीं कर सकते उनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते सो इन माई ओपिनियन इट वॉज अ गुड अटैम्प्ट बाय भुटानीज गवर्मेंट एट दैट टाइम टू ब्रिंग क्रॉस नेशनल हैपीनेस एटलीस्ट फॉर फर्दर रिसर्च फॉर फर्दर डिबेट इस पे बहुत ज्यादा इंपेरिकल काम फिर हुआ नहीं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं जो हैप्पीनेस को इस तरह मैयर कर सकें और इस पर क्रिटिसिज्म वैलिड हुई क्योंकि भूटान गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया था नैपलीज लोगों को और क्योंकि वो डिपोर्टेशन से उनकी इकोनमी पे फर्क पड़ता अगर वो ट्रेडिशनल तरीकों से मैयर करते तो उन्होंने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की टर्म को क्वाइन किया जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट जी डी पी जी एन पी पे तो नजर नहीं आया तो नजर आया लेकिन जी एन एच पे या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया बट दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द साइकोलॉजिकल एंड द मेंटल वेल और द ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट और द इकोनॉमिक नॉट प्योरली इकोनॉमिक बट द ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट ऑफ अ कंट्री सो हमने इस पर्टिकुलर डिबेट में जहां हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक किया वी सॉ

और अगेन एंड अगेन आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन कंट्री एंड आई विल स्ट्रेस द नीड फॉर डेवलपिंग आर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज हमारे यहाँ सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप जो है वो खातन है और ख़वान के ऊपर क्योंकि बच्चे उनके दूध पीते इन्फेंट शीर खा और डिपेंडेंट होते हैं इसलिए वो भी डिसडवानटेज ग्रुप में आ जाते हैं जिस मुल्क में औरतों की सेहत का ख़्याल नहीं किया जाएगा मेटरनल मोटैलिटी जहाँ हाई होगी वहाँ इन्फेंट मोर्टैलिटी इज बाउंड टू बी हाई बिकॉज इट इज़ द मदर एंड नॉट द फादर हु टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों को दूध किस तरह देना है कितना देना है कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, कौन सी नहीं देनी कौन सी इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन्स लगवाने हैं कब लगवाने हैं ये सारी चीज़ें अगर हम गौर करें तो ये घरों में चाहे वो उमरा के घर हों गबा के हों मिडल क्लास के हों ज़्यादातर ये चीज़ें माएँ ही करती एंड वेल इन्फॉर्म्ड हेल्थी मदर विल डेफिनेटली बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली बी एबल टू रेज चिल्ड्रन हु कैन देन बिकम रिसोर्सफुल एडल्ट एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ये पॉइंट हमें जहन नशीन कर लेना चाहिए इस डिबेट से कि अपनी कंट्री पे जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिंक की बात करेंगे तो सबसे क्रूशल लिंक हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में खातानी है उनकी एजुकेशन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हमारी खातन की हो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उनका हो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऊपर पुल किया जाए उनको माशरे में इक्वल मकाम दिया जाए नॉट आइडेंटिकल मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि औरत और मर्द बराबर हैं मुसावी हैं लेकिन आइडेंटिकल एक जैसे नहीं तो so उनको मकाम उनके राइट्स इक्वल हूँ ऑब्वियसली उनके रोल डिफरेंट हैं उनके उन रोल्स को एम्पावर किया जाए ऐसी प्रायोरिटीज बनाई जाएं ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं दैट वेमेन्स रोल इज हाईलाइटेड विमेन आर डिवेलप्ड दे आर एम्पावर्ड एंड देन वी विल सी दैट थ्रू दिस डेवलपमेंट ऑफ वेमेन होल सोसाइटी विल डिवेलप इन अ वे विच इज रेवोल्यूशनरी क्योंकि जब एक मां ट्रेन करती है एक बैलेंस पढ़ी लिखी मां जब एक सोसाइटी को ट्रेन करेगी तो वो एक बैलेंस्ड और पढ़ी लिखी सोसाइटी ही को मोरज वजूद में लेके आएगी ना कि एक ऐसी सोसाइटी को वेयर जहां पर दौड़ क्या है टू मेक मनी एट एनी कॉस्ट शॉर्ट टर्म गें एक पढ़ी लिखी और एक बैलेंस खातून जब रेस करेगी सोसाइटी को तो ये एग्रेशन कम होगा हमें ये बरक़ात खतिन से अगर लेनी है तो हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा इसके साथ ही हम आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं और फ्यूचर में वी विल कंटिन्यू टू तो डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टिल देन इट इज़ खुदा हाफिज एंड टेक केयर